बहुत बड़ा मतलब कि एक कांड हो गया जो कि मैं बताना चाहता पूरा हूँ। सामान ऐसे बिखरा पड़ा है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। और आज मैं कर रहा हूँ अपना जो घर है जहाँ पे रहता हूँ रेंट पे, वो शिफ्ट कर रहा हूँ दूसरी जगह पे। तो फिलहाल पैकिंग वगैरह चालू है, मतलब जो भी कपड़े हैं और बैग वगैरह सब पैक कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट पैक हो चुका है बट थोड़ा बहुत बचा हुआ है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। क्योंकि जहाँ पे हम लोगों ने लिया है दूसरी जगह, वो काफी पास है वहाँ से ऑफिस, और यहाँ से कम बजट में और अच्छा मिल गया। मतलब जहाँ पे अभी फिलहाल रहते हैं इससे बेटर मिल गया है कम पैसों में, तो हम लोगों ने वहाँ पे शिफ्ट करने की प्लानिंग किया है। तो फिलहाल पैकिंग चालू है और शाम को शिफ्ट होना है आज एनी हाउ। तो कपड़े वगैरह मैंने डाल लिया है बैग वगैरह में और थोड़ा बहुत बचा हुआ है, और फैन खोल रहा हूँ काफी टाइम से, तो फैन खुल नहीं रहा है क्योंकि नट बोल्ट जो है उसका काफी टाइट है और मेरे पास प्लायर नहीं है। उसका जो प्लास होता है प्लायर जिसे खोलते हैं टूल, वो नहीं है तो मेरे पास नहीं है। तो काफी परेशानी हो रहा है, काफी टाइम से मैं परेशान हूँ, खुल नहीं रहा है। मैंने चाकू से ट्राई कर लिया, हाथ से ट्राई कर लिया और कपड़े से पकड़ के ट्राई कर लिया, बट अब खुल नहीं रहा है। तो जितना हो सका है मैंने ट्राई किया है, आपको दिखाता हूँ, बट देखते हैं क्या होता है। अगर नहीं मिलेगा तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा या कहीं से मंगाना पड़ेगा या फिर कहीं ना अगल बगल से मांगना पड़ेगा। सो देखते हैं। और ये जो टूल देख रहे हो, ये टूल भी मैंने जो नेबर है उनसे मांगा है कुछ टाइम के लिए, तो फैन खोलने के लिए। तो जब काम हो जाएगा तो ये मैं वापस कर दूंगा, जाने से पहले उनको लौटा दूंगा। और मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या पैक कर लिया हूँ मैं और क्या क्या काम बचा हुआ है। दोस्तों ये जो है मैंने पैक कर लिया है, और ये हमारा गिटार है, इसमें शूज वगैरह चप्पल वगैरह है, और ये हैंडबैग है जो ऑफिस लेके जाता हूँ, और ये सब इसमें कपड़े हैं, इसमें भी काफ़ी कपड़े वगैरह ही हैं, और इसमें बुक वगैरह है हमारा, इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह समथिंग है, और ये देख सकते हो ये है टूल जो कि मैंने मांगा है हमारे बगल वाले फ्लैट में जो रहते हैं नेबर, उनसे मैंने बोला है आपको देता हूँ मैं जब काम हो जाएगा तो शाम को, जाने से पहले उनको ये लौटाना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। फ़ैन खोलने के लिए एक्चुअली लिया था, देख सकते हो ये जो फ़ैन है मैंने ये खोल दिया है क्योंकि काफ़ी टाइम से खोल रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ इसको साफ़ भी करना है, काफ़ी गंदा हो गया है तो खुल नहीं रहा है। मैंने चाकू से भी ट्राई किया वो भी नहीं खुल रहा है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ऊपर में मैं क्या खोल रहा हूँ जो खुल नहीं रहा है काफ़ी टाइम से, तो मैं चढ़ के ट्राई करता हूँ। सो गाइस देख सकते हो मैंने ये खोल दिया है, इसका जो पत्ती होता है ब्लेड वो तो मैंने खोल दिया किसी तरह, बट ये नहीं खुल रहा है, देख सकते हो ये नहीं खुल रहा है, काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहा हूँ और बिना प्लायर का ये खुलने वाला भी नहीं है, क्योंकि ये बहुत हार्ड है, इतना हार्ड है कि खुल नहीं रहा है। तो मैं काफ़ी परेशान हो गया हूँ, और परेशान हो के लास्ट में मैंने सोचा कि इसका ब्लेड खोल देते हैं फिलहाल और इसको देखते हैं बाद में। यहाँ पे एक लॉक रहता है, तो वो लॉक तो मैंने निकाल दिया है, बट ये जो बोल्ट है बोल्ट काफ़ी हार्ड है और ये निकल नहीं रहा है, तो देखते हैं क्या करना है। ये हाथ हाथ से तो निकल नहीं रहा है, मैंने काफ़ी ट्राई किया इसे खोलने के लिए बट ये खुल नहीं रहा है, इतना हार्ड है। तो जब तक ये नहीं खुलेगा तब तक ये मैं निकाल नहीं सकता, ये घूम भी रहा है ये, और इसको खोलेंगे फिलहाल देखते हैं। काफ़ी चीज़ से ट्राई कर लिया मैंने, ये मैंने इससे भी पकड़ कर ट्राई किया नहीं खुल रहा है, और चाकू से कुछ मतलब नहीं, चाकू से खोलने वाला नहीं, इसको जो मैंने खोला है ये चाकू से ही खोला है, क्योंकि इसका जो नट होता है ऐसा है, देखो ये इसका जो नट है ये इस तरह का है, फ्लैट है, तो मैंने चाकू में से डाल के पूरा खोल दिया है अभी, बट वो जो है बोल्ट है तो बोल्ट तो खोलने का कोई ऑप्शन ही नहीं है, वो चाकू से नहीं खुलने वाला है। सो अभी जा रहा हूँ मैं इसको साफ़ करने के लिए क्योंकि काफ़ी गंदा हो गया, तो इसको मैं धो दूँगा ताकि सूख जाए, तो इसको धोना है, और इसको कैसे धोना है इसको मैं डाल देता हूँ इसके अंदर और इसको चालू करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली धुल जाएगा, देख सकते हो इतना गंदा है। आई थिंक मुझे लग रहा है काफी टाइम से सफाई हुआ नहीं है, तो इसको धो लेते हैं। सो अभी मैंने इसको भिगा दिया है, थोड़ा गीला हो जाएगा और उसके बाद मैं इसको थोड़ा अच्छे से धोऊंगा, तो फिलहाल थोड़ा टाइम छोड़ता हूँ और इसको मैं ब्रश से या फिर कुछ कपड़ों से अच्छे से धोऊंगा।
सो दोस्तों देखते हैं अभी क्या करना है। वो नट बोल्ट नहीं खुल रहा है और वो काफ़ी चैलेंजिंग काम मिल गया है मुझे, और मेरे पास प्लायर नहीं है। मेरे पास दो तीन ऑप्शन है, या तो खरीद के लेके आओ, या तो बगल में जाओ नेबर के पास बेल बजाओ और पूछो कि आपके पास प्लायर है, आप दे सकते हैं 2 मिनट के लिए। सो यही कर सकता हूँ मैं, देखते हैं क्या करना है। फिलहाल जा रहा हूँ मैं ब्लेड धोने के लिए, क्योंकि फ़ैन का ब्लेड काफ़ी गंदा हो गया है, एकदम से बिल्कुल गंदा हो गया है, तो उसको थोड़ा अच्छे से धोऊंगा कपड़े से और सूखने के लिए डाल दूंगा। सो गाइस मैंने धो दिया है अच्छे से ब्लेड को, देख सकते हो, और मैंने धो के इसको रख दिया है, और जो भी पानी है इसका नीचे आ जाएगा और थोड़ा सूख जाएगा, फिर मैं इसको उठा लूँगा यहाँ से। सो दोस्तों ये देखो, ये है प्लायर, और मैं जस्ट लेके आ रहा हूँ मार्केट की तरफ से, जहाँ पे कुछ टूल्स वगैरह बनते हैं वहाँ से। और मैंने बोल के लेके आया है कि 10 मिनट में मैं इसको वापस कर दूंगा, और मैं देखता हूँ, इसे ट्राई करता हूँ खुलता है कि नहीं खुलता है। ये लेके आया, देखो उधर सामान के, अरे मार्केट की तरफ से ना बनते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सामान, वहाँ से लेके आया मैं, देखो क्या होता है। ये अंदर पकड़ा, ये हो गया है, निकालना चाहिए। इसको बोला हूँ थोड़ा जल्दी आने के लिए, टास्क मिल गया हमको, निकल गया था ना। सो गाइस फाइनली मैं निकाल दिया इसको, और ये देख सकते हैं, ये मैं मार्केट से मांग के ले गया था, और ये मैंने उनको बोला कि 10 मिनट के अंदर मैं वापस करता हूँ, तो बहुत मुश्किल से मिला है और ये खुल गया। दोस्तों ये जो है नट बोल्ट, इसको मैं, एक पिन है इधर, ये सारा जो भी पिन वगैरह नट बोल्ट है मैं इसी के अंदर डाल देता हूँ, ताकि खोएगा नहीं, एक भी खो जाएगा तो फिर मुश्किल हो जाएगा। और ये ऑलमोस्ट सूख गया है, तो अभी हमारा काम हो गया। सो गाइस फाइनली मेरा काम हो गया है, और मैंने अपना फ़ैन खोल दिया, और ये अब जा रहा हूँ इसको वापस करने के लिए जहाँ से लिया था, और उनको थैंक यू बोलने के लिए। सो गाइस यहाँ से मैं लेके गया था, और मैं इनको वापस कर देता हूँ। अरे कोई नहीं है, किधर गए अंकल, इनको वापस कर देना है, थैंक यू सो मच देने के लिए। कोई नहीं है काउंटर पे, यहीं से लेके गया था मैं बस, काउंटर पे कोई नहीं है अभी, लगता है कहीं तो अंदर गए रहेंगे, अंदर जगह होगा तो, या फिर आई डोंट नो। सो गाइस दुकान पे कोई नहीं है, बिल्कुल खाली है, और मुझे वेट करना पड़ेगा, जब तक आएंगे नहीं मैं ये रख के नहीं जा सकता, या किसी और को दे नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने दिया है तो उनके हाथ में ही देना सही है। सो वेट करते हैं, देखते हैं कब तक आते हैं। दोस्तों काफ़ी टाइम से वेट कर रहा हूँ, कम से कम 10 से 15 मिनट हो गया, बट अभी तक आए नहीं हो, पता नहीं कितना टाइम लगेगा, मुझे और भी बहुत सारा काम है। सो सोच रहा हूँ वापस जाऊँ फिर आऊँ, या फिर वेट करूँ, देखते हैं क्या करना है। सो दोस्तों फाइनली 20 से 25 मिनट वेट करने के बाद वो आए, और उसके बाद मैंने उनको दे दिया है, अभी जा रहा हूँ वापस।
तो दोस्तों सब कुछ पैकिंग हो गया और बिल्कुल रेडी हैं हम लोग जाने के लिए। तो अभी थोड़ा टाइम के बाद निकलेंगे यहाँ से, पैकिंग वैकिंग सब रेडी है और बस निकलना है यहाँ से। तो थोड़ी देर के बाद निकलेंगे और एक बंदा और है, वो आ रहा है, उसके बाद गाड़ी बुक करेंगे, फिर यहाँ से हम लोग निकलेंगे। सो गाइस, ये है हमारा सामान, बिल्कुल पैक हो गया है, रेडी है जाने के लिए। इतना सारा सामान है और थोड़ा टाइम के बाद अभी हम लोग निकलेंगे, गाड़ी वाड़ी बुक करेंगे, उसमें जाएगा सब। आज का दिन यहाँ लास्ट था। सो दोस्तों, जो भी सामान था ऊपर से हम लोग नीचे लगा रख दिए हैं, और हमने जो एक ऑटो बुक किया है पोर्टर से, तो उसका वेट कर रहे हैं, जैसे ही आएगा फिर उस पर हम लोग डालेंगे, फिर चले जाएँगे। देख सकते हो ये सारा सामान हम लोगों ने सीढ़ी से, इसमें लिफ्ट नहीं है इस बिल्डिंग में, तो सीढ़ी से हम लोगों ने चौथे फ्लोर से हम लोगों ने ला के यहाँ पर रख दिया है अभी, और जस्ट हम लोग वेट कर रहे हैं पोर्टल का। पोर्टल भी आ गया है, पोर्टल आ गया, अभी हम लोग उस पर डालेंगे। सो दोस्तों, ये पोर्टल है और सामान इसके अंदर पैक हो गया है, पूरा अच्छे से रख दिया हम लोगों ने। और है हाँ नहीं ठीक है, सो दोस्तों हम लोगों ने सब कुछ खाली कर दिया यहाँ से, अभी कुछ भी नहीं है, और अभी ये जाएगा और मैं जाऊँगा ट्रेन से, तब तक ये लेके जाएगी लोकेशन पे, और एक आदमी है साथ में तो कोई इशू नहीं है। और चलो ठीक है, कुछ नहीं हो गया है, धंधा था वो है जान दो। ठीक है चलो, मैं आता हूँ ट्रेन से, मैं तो पहले पहुँच जाऊँगा, ट्रेन जैसे मिल जाएगी। वो उसको बोल देना उधर से उधर आ जाएगा, अभी तो उधर ही होगा ना वो। हाँ ठीक है। सो सामान पैक हो गया, गाड़ी के अंदर सामान डाल दिया हम लोगों ने, और गाड़ी अभी जा रही है वापस, और मैं जाऊंगा ट्रेन से, क्योंकि इसमें सिर्फ एक आदमी बैठ सकता है, दूसरे आदमी के लिए जगह नहीं है, तो मैं जाऊंगा ट्रेन से। सो दोस्तों, सामान चली गई है गाड़ी के अंदर और मैं जा रहा हूँ स्टेशन ट्रेन से जाऊंगा, क्योंकि आगे जो सीट था उसमें एक ड्राइवर का था और एक आदमी और बैठ सकता था, तो दूसरा जो मेरे साथ बंदा था, मेरा पार्टनर, वो बैठ के गया है। मैं जा रहा हूँ ट्रेन से अभी, तो मुझे जल्दी पहुँचना पड़ेगा, क्योंकि उसने बोला, मुजम्मिल ने बोला कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि इधर जगह, वो पिछली बार भी जा चुका है बट वो बोल रहा है मेरे को अभी भी क्लियर नहीं है वो एरिया लोकेशन। मैंने बोला मैं पहुँचता हूँ जल्दी से, तुम चलो, तो अभी पहुँचेगा, तब तक मैं भी पहुँच ही जाऊँगा। तो दोस्तों, आज क्या हुआ हमारे साथ, बहुत बड़ा मतलब कि एक कांड हो गया जो कि मैं बताना चाहता हूँ। एक्चुअली हम लोग सारा शिफ्टिंग का सामान लेके आ गए थे, और यहाँ पे आने के बाद इस बंदे से कांटेक्ट करना था, सुबह से दो तीन बार हम लोगों ने कॉल किया कि हम लोग शाम को आने वाले हैं शिफ्टिंग करने वाले हैं, वो बोला आ जाओ आ जाओ। जब शाम को हम लोग यहाँ पर आए तो वो बंदा यहाँ पर है ही नहीं, वो कहीं और है, बोल रहा है मैं यहाँ पर नहीं हूँ, कहीं और हूँ, कल मिलूँगा आपको। तो हम लोग सामान लेके बिल्कुल फंस गए हैं, और जो गाड़ी वाला था वो बोला था जल्दी से जल्दी निकालो आपका सामान, मेरे को लेट हो रहा है। तो हम लोगों ने सामान तो निकाल लिया और जाके फ्लैट के अंदर डाल दिया है, उसमें लाइट नहीं है, कुछ भी नहीं है, पानी नहीं है, लाइट नहीं है, और बिल्कुल अंधेरा है। तो अभी ना हम लोग वहाँ पर सो सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं, और गर्मी है, मच्छर है, तो दूसरा ऑप्शन नहीं है सिवाय रात भर जगने का। तो हम लोगों ने अभी बैठे बैठे सब कुछ ट्राई कर लिया, लाइट में नीचे MCV वगैरह जो भी है सब कुछ चेक चेक कर लिया, लाइट नहीं आया। उसने उसको फ़ोन किया हम लोगों ने, तो बोला कि लाइट आप लोगों से नहीं जलेगा, इलेक्ट्रिशियन जलाएगा, तो इलेक्ट्रिशियन कल आएगा, आज नहीं आ सकता है। तो आज मतलब हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है सिवाय जगने का, रात भर जगना पड़ेगा। हम लोगों ने फ्लैट को बंद किया, लॉक किया, और लॉक करके सारा सामान अंदर डाल के लॉक कर दिया, लॉक करके बाहर आ गए हम लोग। और बाहर एक है थोड़ा सा पार्क टाइप का है, लेक है, तो वहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं अभी, और देखते हैं आगे क्या होता है। इधर ही बैठेंगे या रूम पे जाके उधर बैठेंगे, कहीं बैठना है, मतलब रात भर जगना ही है, दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। सो देखते हैं, ये हो गया हमारे साथ, कांड हो गया एक्चुअली में। सो दोस्तों, अभी मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, और जो मेरे पार्टनर लोग है वो लोग भी उधर बैठा हुआ है, मैं इधर आया था। तो ये एक पार्क टाइप का बना हुआ है और आगे एक लेक है ऐसे, तो मैं इधर ही बैठा हूँ। सो गाइस, देख सकते हो ये सारा सामान जो है यहाँ पे रखा हुआ है, और इधर भी सामान है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये सारा सामान इधर पड़ा हुआ है, लाइट नहीं है, रात भर हम लोग जगने वाले हैं आज। ये देखो किधर भी लाइट नहीं, ये टॉयलेट है, ये वॉशरूम है, और ये किचन है,
सो किधर भी लाइट नहीं है और थोड़ा बहुत काम भी चल रहा है अभी, और देख सकते हो यहाँ पे लाइट वाइट कुछ भी नहीं जल रहा है, पूरा सामान ऐसे बिखरा पड़ा है। तो ऐसे हम लोग जस्ट ला के रख दिए हैं, और जो भी होगा कल होगा, आज कुछ नहीं हो सकता। तो आज हम लोग रात भर जगने वाले हैं और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है जगने के सिवाय। तो मच्छर भी काटेगा और गर्मी भी लगेगा, बट ऑप्शन नहीं है तो झेलना पड़ेगा। सो ये था आज का हमारा ब्लॉग, जो कि हमारे साथ कांड हो गया आज। बोलो, हमारे साथ ऐसा हो जाएगा मैंने सोचा नहीं था, बट उस बंदे ने पहले बोलना चाहिए था उसको कि मैं यहाँ पे नहीं हूँ, आप लोग मत आओ या फिर कल आओ। उसने बोला आ जाओ आ जाओ आ जाओ, और यहाँ आने के बाद बोलता है कि मैं यहाँ पे नहीं हूँ, मैं कहीं और हूँ, तो मैं आ नहीं सकता आज, कल आ पाऊँगा। तो आप लोग मैनेज करो जैसे करना है। तो ये सब चीज़ें हैं। सो चलो कोई बात नहीं, झेलने के लिए रेडी हैं हम लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक दिन की बात है, और देखते हैं कल क्या होता है। क्या पता कल भी बोल दे कि हाँ आज नहीं आऊँगा परसों आऊँगा। सो कुछ भी हो सकता है, आई डोंट नो। सो चलो मिलते हैं, अभी रात के 12:30 हो गए हैं और अभी बैठे हुए हम लोग जगे हुए हैं। तो चलो मिलते हैं आपको कल सुबह, और देखते हैं क्या होता है।